हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैमर ब्यूटी एंड टिप्स। गाइस, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो गाइस, आज ये मेरा वीडियो है, बहुत सिंपल सा एक वीडियो है। ये कॉटन नॉर्मल साड़ी है और इसके साथ मैंने एल्बो स्लीव्स ब्लाउज़ पेयर अप किया है। बहुत समर फ्रेंडली साड़ी है और इन समर्स में ऐसे साड़ीज़ बहुत हेल्पफुल रहते हैं आउटिंग के लिए, जो डे आउट रहता है या फिर थोड़ा बहुत जब हम इधर उधर जाते हैं तो ऐसे साड़ीज़ हम इजीली ड्रेप कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है और कंफर्ट लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसको इजीली ड्रेप करें और एल्बो स्लीव्स ब्लाउज के साथ ज़रूर पहने। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो गाइस, और कैसी मैं लग रही हूँ ये भी बता दीजिएगा कमेंट में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं बहुत बॉडी हगिंग है एंड ब्यूटीफुल भी है। तो दिस इज माय साड़ी। मैंने जो बेसिक पेटीकोट है वही पहना है और अल्ट्रा लो वेस्ट पे है, और जो मेरा नॉट है आज मैंने उसको पीछे में किया है ताकि जो बल्जिस रहता है ना वो पीछे में चला जाए और वो दिखे ना सामने से या फिर साइड से वो दिखे ना, तो फिर वो चीज़ ठीक रहता है। क्योंकि कोई कोई पेटीकोट का फ्लेयर जो होता है बहुत ज़्यादा रहता है, और फ्लेयर वाला जो पेटीकोट रहता है वो ऐसे कॉटन साड़ीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो कॉटन साड़ीज़ बेसिकली पैर के लेग्स के अंदर में फंस जाता है जब हम चलते हैं, ख़ास करके जो चबी लेडीज़ होती हैं तो उनको ये वाला प्रॉब्लम बहुत होता है कि लेग्स के अंदर में फिट के अराउंड वो पूरा फंस जाता है, एकदम अंदर में चला जाता है, तो उसमें चलने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो थोड़ा फ्लेयर वाला पेटीकोट चूज़ करें कोई भी कॉटन साड़ी या फिर मॉलमल साड़ीज़ के लिए, तो उससे क्या होता है ये प्रॉब्लम नहीं रहती या फिर बहुत कम जो ऑकरेंस होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये मैंने बेसिक जो फर्स्ट राउंड की रैपिंग है वो वाला कर लिया है, और पल्लू भी मैंने ले लिया। ये इसमें बॉर्डर नहीं होता है, मेरी साड़ी में बॉर्डर नहीं है, कोई कोई साड़ी में थोड़ा सा एकदम नैरो सा बॉर्डर दिया हुआ रहता है, लेकिन मेरी साड़ी में बॉर्डर नहीं है, ये बिल्कुल प्रिंटेड कॉटन साड़ी है। और इसको मैंने घुमा के सामने में ले लिया और आंचल भी मैंने कर लिया है, और इसको इस साड़ी को मैं एकदम सेंटर में ले आके पिनिंग नहीं करूँगी, इसको थोड़ा साइड में मैं पिन करूँगी। और एल्बो स्लीव ब्लाउज़ है मेरा, आप देख सकते हैं, ये तो बहुत मेरा एक फेवरेट सा ब्लाउज़ कह सकते हैं, बिल्कुल कॉटन की है और एथनिक भी है, पहनने भी बहुत इजी रहता है, कंफर्टेबल रहता है। तो मैंने पिन कर लिया अपना, थोड़ा साइड में पिन करें, इसको सेंटर में पिन ना करें, इससे क्या होता है जो प्लीट्स आते हैं वो बहुत अच्छे से आ जाते हैं, और जब हम टकिंग करते हैं वो भी बहुत इजी भी रहता है और खींचने का प्रॉब्लम नहीं रहता है। कॉटन साड़ीज़ में वो थोड़ा खींच जाता है साड़ीज़ जब हम इसको पिनिंग करते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो उसमें डॉट डॉट करके ना वो पिन का आ जाता है अगर उसमें स्ट्रेन पड़े तो इसलिए इसका ध्यान रखें कि स्ट्रेनिंग ना हो कॉटन साड़ीज़ में। एंड गाइस, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझको ये आस्क किया था कि हम सिल्क साड़ी कैसे इसको रखे बहुत टाइम तक, इसको ठीक से रखे, तो उनके लिए मेरा ये वाला टिप्स है कि साड़ी को पेपर में रैप अराउंड करके एक अच्छे से बैग में रख दीजिए, साड़ी को एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर सन में रखे, और खाली साड़ी को अच्छे से खोल के सन में उसको सुखाए या फिर जो सन रहता है उसमें ड्राई कर ले, बिल्कुल भी ड्राई कर ले, तो इससे क्या होता है जो भी कीड़े मकोड़े अगर लगते हैं तो कुछ भी रहता है तो वो चीज़ फंगस वगैरह वो चीज़ नहीं लगता है। और साड़ी को ओपन ज़रूर करें क्योंकि
साड़ी को अगर हम ओपन नहीं करेंगे तो साड़ी की जो हम जो इसको रखते हैं जो इसका क्या कहते हैं उसको, वो कट जाता है एक्चुअली अगर हम ज़्यादा दिन उसको रैप करके रख दें किसी जगह पे। तो उसके लिए साड़ी को ज़रूर एक दो बार खोलें, खोल के उसको फिर से रैप करें सन में सुखा के। तो इससे इजीली कोई भी साड़ी आप लोग इसको सिक्योर कर सकते हैं बहुत बहुत टाइम तक। और मेरा पल्लू बहुत बार गिर रहा है और मेरा आप जो प्लीटिंग है वो भी मैंने अरेंज कर लिया बात करते करते, इसको अच्छे से ठीक कर ले, मेरा ये ठीक नहीं था तो इसको अच्छे से हाथ से प्रेस करके ठीक कर ले। ये देखिए अब सही है और ना ही चलने में प्रॉब्लम होगी और ना ही ये फंसेगा। और बहुत गर्मी है, कोलकाता का जो भी वेदर है बहुत ह्यूमिडिटी है, स्वेटिंग बहुत होती है। और जो पल्लू है इसको जो बेसिक खुला पल्लू हम लोग करते हैं वैसे ही करके इसको शोल्डर के राउंड पिन कर ले अच्छे से। इसको अच्छे से अरेंज करें, आप चाहे तो इसको प्लीटिंग भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको खुला ही रखूँगी, इससे जो लुक आता है वो बहुत ग्रेसफुल एंड एलिगेंट आती है। और शोल्डर में एक पिन कर लूँगी। जो प्लीट्स है वो भी ठीक से कर लें, इससे क्या होता है जो भी हमारा फिगर रहता है वो बहुत अच्छे से वो शो होता है और हम स्लिम भी लगता है थोड़ा टॉल भी लगते हैं। तो ये मैंने शोल्डर प्लीट्स अपने कर लिए और पिन भी कर लिया। शोल्डर एक्चुअली मैंने प्लीट नहीं किया है तो शोल्डर में मैंने पिनिंग कर लिया और मेरा लुक भी कंप्लीट हो गया। बहुत स्वेटिंग हो रहा है, प्योर बंगाली लुक है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें ऐसे समर्स में, बहुत समर फ्रेंडली ये वाला लुक है, कहीं भी आने जाने के लिए बहुत परफेक्ट लुक है। परफेक्टली ड्रेप करें साड़ी को, इससे जो बॉडी की शेप रहती है वो भी अच्छा दिखता है जो भी चबिये साइड में है गर्ल्स या लेडीज वो भी अच्छी दिखेंगी। गाइस कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो कमेंट में बताइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन का जो बेल नोटिफिकेशन है वो भी ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियोस ज़रूर देखें। तो थैंक यू गाइस, गुड नाइट, फिर मिलेंगे आप लोगों से। मेरे हेयर्स की लेंथ भी बहुत बढ़ गई है तो मैं इसको कटिंग भी करवाऊंगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।